Shahrukh Khan was a bit smitten and overwhelmed to see huge love from his fans at the trailer launch of his film Fan in Mumbai on Monday. Here, not only the reporters asked questions to Shahrukh, in fact, the actor gave a chance to his fans to ask questions from him. And during one such question, Shahrukh made a confession. He confessed that he was once slapped by a woman in public. जब पहली बार मैं मुंबई आया था तो मैं ट्रेन पे आया था और मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, शायद मैंने एक ही बारी बताया लोगों को। मुझे मालूम नहीं था कि जब ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई आती है तो वो यू नो इंटरसिटी इंटरस्टेट अक्रॉस कंट्री की ट्रेन होती है। जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में आती है, लोकल ट्रेन बन जाती है। तो मैं बर्थ था हमारे पास, मैं और मेरे दोस्तों के पास। तो जैसे ही वो लोकल ट्रेन बनी तो हमको लगा, दिल्ली में लोकल ट्रेन नहीं थी तब, तो हमको लगा कि ये बर्थ अभी भी हमारा है। तो कुछ लोग बैठने को आए वहाँ पे, तो हमने कहा हटो हटो, ये हमारा बर्थ है, हमने इसका पैसा दिया हुआ है। तो एक लेडी आई तो उनको मैंने कहा आप बैठ जाएं, लेकिन जो आपके साथ है ना वो नहीं बैठ सकते, ये बर्थ मेरा है। तो उसने खींच के मुझे एक चांटा मारा मुझे। हाँ, शी स्लैप्ड मी, शी सेड मेरे साथ जो है वो भी इस पे बैठेंगे, तुम्हारा बर्थ नहीं है, सब बैठते हैं। मुझे मालूम नहीं था वो लोकल ट्रेन बन गई है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई आई डिड कम इन अ ट्रेन एक्चुअली, बट नॉट बिकॉज I mean, I wanted to come in a train. That's why I had come that time. Yeah. Now, this is some really a good revelation, isn't it? IANS report.